महाराष्ट्र राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित इस वर्ष के माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं की परीक्षा में फुटपाथ पर रहने वाली 17 वर्षीय आसमा शेख ने 40% अंक हासिल किए हैं। आपको बता दें कि कल यानी कि 29 जुलाई को रिजल्ट घोषित किए गए हैं। आसमा शेख ने कहा, मैं पढ़ाई करने में सक्षम होने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं रात में भी स्ट्रीट लाइट का उपयोग कर सकती हूँ। मैंने आमतौर पर रात में पढ़ाई की क्योंकि उस समय कम भीड़ होती थी। चलिए आसमा से जानते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफर। सर, मेरे को तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं इतना कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती थी। मेरे फैमिली वाले लोग ने भी मेरे को ऐसा मतलब प्रॉब्लम मैंने इतना ज्यादा देखी, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे अब्बा ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया तो मैं कैसा भी करके पढ़ लेती थी सर। यहाँ पर बारिश में सर पापा यहाँ पे तालपत्री बांधते थे, वहाँ पे पढ़ लेती थी और दीम के नीचे पढ़ लेती थी। यहाँ पे सर लोग आते थे तो इसके लिए मैं रात में पढ़ी थी, ट्रैफिक की वजह से पढ़ने नहीं होता था। यहाँ पे गाड़ी चलती है ना तो पढ़ने नहीं होता था, तो मैं रात में पढ़ती थी। और ज्यादा एक्सपेक्ट की थी मैं, पर 40 भी आया मेरे लिए बहुत है, मैं पास हो गई। सब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन किए कि अच्छा वो पास हो गई। मेरे पापा उन लोग का ही मालूम है ना, हम लोग इतने प्रॉब्लम में, मैंने इतना की, मेरे पापा ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया तो उन लोग भी सपोर्ट करते हैं। सर और पढ़ने का, अभी ग्रेजुएशन तक पढ़ने का, मेरे को कोई भी कॉलेज मिलेगा चलेगा सर। आर्ट्स में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, उस सब्जेक्ट में मैं कर सकती हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी कई और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जागरण जोश का YouTube चैनल।